I
अब माननीय आज के लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना में छह राज्यों के बीच में जो आज एग्रीमेंट साइन हो रहा है, ये हमारे छह राज्यों के लिए बहुत उपयोगी है। इसकी कीमत 4,000 करोड़ है, पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई इस 5 महीने में यमुना में पानी नहीं रहेगा और विशेष रूप से पीने के लिए दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ काफ़ी पानी की दिक्कत है, ऐसे समय हम लोग इसका उपयोग सबसे बड़े प्रमाण पर होगा। यमुना का जो वाटर स्टोरेज है इस प्रोजेक्ट के कारण 65% बनने वाला है और इसका पहला फायदा ये होगा कि उत्तराखंड की सरकार इस समय जब बिजली तैयार करेगी और वो पानी यमुना में आएगा और आया हुआ पानी जो है पीने के लिए विशेष रूप से इन राज्यों में उपलब्ध होगा। ये योजना 1976 में इसको नीति आयोग ने मंजूरी दी थी, बीच में 30% इसका काम भी हुआ था, पर इसमें काफ़ी देरी हुई है और अब भारत सरकार इसको जो 90% इसका खर्चा दे रही है, 10% बाकी राज्य देंगे, उन्होंने भी पैसा दिया है। आज ये 6 राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ उपस्थित है, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे देश के करीब 5 राज्यों में जहाँ पीने के पानी की समस्या गंभीर है, उनको विशेष रूप से जब यमुना में पानी नहीं रहेगा उस समय यमुना में ये बांध के कारण पानी आएगा और पीने के पानी की समस्या खत्म होगी। बहुत प्रसन्नता इस बात की कि लखवार डैम जो पिछले 42 साल से पेंडिंग था, और आप लोगों की जानकारी के लिए 2 साल पहले मैं स्वयं लखवार डैम होकर के आया था। उस समय उमा भारती जी हमारे मंत्री थी, उनसे मेरी बातचीत हुई थी और आश्वासन दिलाया गया था उस समय डिपार्टमेंट की ओर से कि इस विषय को बहुत जल्दी हम सुलझाएंगे। आज खुशी है कि सभी 6 प्रांतों के मुख्यमंत्रियों के बीच में एक MOU हो गया, समझौता हो गया है और उसके कारण से भी परियोजना शुरू होगी। इसका पानी का जो बड़ा हिस्सा है 47% पानी जो है वो हरियाणा के उपयोग में आएगा, बाकी 53% बाकी 5 प्रांतों में बटेगा। तो ये 47% पानी है जब हमें मिलेगा तो निश्चित रूप से कई विवाद जो हैं अंतर्राज्यीय जो हैं वो भी निपटेंगे और हरियाणा के लोगों की यानी पानी की जो मांग है वो पूरी होगी, खास करके दक्षिण हरियाणा का लाभ मिलेगा जहाँ कहीं गर्मियों में पीने के पानी की भी कठिनाई होती थी, उसका समस्या का समाधान भी होगा। पानी को लेकर के बहुत से विषय हैं, कई प्रांतों के आपस में जो विषय हैं उनमें सहमति बनाने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है और जैसा बताया 42 साल के बाद एक ऐसे मुद्दे के ऊपर सहमति बनी है, तो मैं आशा करता हूँ कि बाकी मुद्दों पर भी एक एक करके बहुत जल्दी सहमति बने।